अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे आप सभी लोग। वेलकम बैक टू एन अदर व्लॉग नंबर वन आप कह सकते हैं, या टू या कह सकते हैं, थ्री कह सकते हैं। वो इसलिए क्योंकि मैंने अपने जो चैनल पे थी पहले भी मैंने दो तीन जो चैलेंजेस हम लोगों ने किए थे वो मैंने अपलोड कर दिए थे। मुझे जो है ना वो बहुत सारे लोगों की ना कमेंट्स आ रहे थे कि यार आप अपने जो आपने, तो इसकी सबसे पहली रीज़न ये थी कि मैं कहीं जा नहीं रहा था, जिस वजह से मैं व्लॉग नहीं बना पा रहा था। तो मैंने सोचा कि मैं आज भी मैं कहीं नहीं जा रहा, मैं आप लोगों को अपनी छत का टूर करवाऊंगा, यानी कि जो हमने मुर्गियां रखी हुई हैं और जो खरगोश रखे हुए, मैं आप लोग आपको ना वो दिखाऊंगा सारा कुछ। तो ये जो मेरे पीछे आप कमरा देख सकते हैं ये वाला, ये हमने यहाँ पर इसके अंदर खरगोश रखे हुए हैं, और जो ये कमरा देख सकते हैं ना ये मुर्गियों का है, और ये बार बार मुझे तंग कर रहा है आगे बीच में। तो आप मेरी छत ये जो गंदगी आप देख सकते हैं इसको ज़रा इग्नोर करें, क्योंकि आपको पता है फिर जानवर का तो थोड़ा गंद होता है। तो अब मैं आपको जो है ना वो अपने खरगोश दिखाता हूँ। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को जो है ना खरगोश दिखाता हूँ, ये देखें। ओह माय गॉड, ओह माय गॉश, ये देखें ये कैसे कैसे आ रहे हैं, ये देखें, ये आप इनको देखें, ये मेरे ख्याल से तकरीबन पाँच हैं। और ये जो अंदर आप देख सकते हैं ये पीछे, ये इनके अंदर ये सुराख से जाते हैं अंदर, और अंदर इन्होंने इतने बड़े बड़े जो हैं वो, यानी कि बच्चे तो छोटे दिए थे, अब तो यानी ही बड़े हो गए ना, अब तो अंदर बच्चे भी हैं, वो कभी कभी निकलते हैं, जब निकलेंगे तो मैं आपको वो भी दिखाऊंगा। तो ये देखें कितने प्यारे हैं, ये रेड आइज़ हैं, ये देखें ये रेड आइज़ हैं, आप देख ही सकते हैं। उसके बाद गंद को तो फिर आप इग्नोर कर सकते हैं, क्योंकि वो बाकी ये हमारा सेटअप है। और अब मैं आपको जो है ना वो दिखाता हूँ मुर्गियों का सेटअप, और ये देखें। तो और अभी ये है हमारा मुर्गियों वाला कमरा, माशाल्लाह ये देखें, ये आप मुर्गियों का साइज देखें। अभी मैं आपको वो देखें अंडा, वो अंडा पड़ा हुआ है, वेटेड माशाल्लाह। ये जो है ना ये सारा, ये मेरा कैमरा पकड़ना, जरा मेरा कैमरा पकड़ना, ये जो आप सारा ये देख सकते हैं, ये मेरे पापा और जो मेरे दादा को है ना, ये उन्होंने सारा बनाया। तो इसके अंदर हमने बल्ब भी लगवाए हैं, ताकि जब ये ना ये हीट वाले बल्ब है, यानी कि जब हम इनको चलाएंगे तो ये इनके अंदर से यानी कि हीट निकलेगी। तो ये बड़ा प्यारा मजबूत बना हुआ है, तो ये आप ये देख सकते हैं इसके अंदर। ये मैं आपको इसे खोल के भी दिखा देता हूँ, ये देखें, ये आप इनका साइज़ देखें, ये मुर्गे का देखें। ये हमने तकरीबन लिए थे बच्चे, लिए थे हम लोगों ने इतने इतने, हमने लोगों ने बच्चे लिए थे तकरीबन तीन माह पहले। ये वाले भी, ये एस्ट्रोलोप कौन से हैं, नीचे वाले एस्ट्रोलोप हैं, ये ब्लैक वाले एस्ट्रोलोप हैं, और ये RIR के आई थिंक PIR। और वो देखो एक अंडा वो भी पड़ा हुआ है, वो भी निकालो, एक अंडा वो पड़ा हुआ है, हाँ थोड़ा, ओए नहीं ये टोकरी जरा पीछे करोगे तो तुम्हें अंडा मिलेगा ना, और ये आप देख सकते हैं। ये हमने नीचे तूड़ी बिछाई हुई है प्लास्टिक के ऊपर, और ये इनका ऊपर भी सारा प्लास्टिक का ये ढांचा हम लोगों ने खुद बनाया था। उसके बाद ये आ जाते हैं, ये मुर्गी मुझे लग रहा है कि अंडे पे बैठी हुई है, इसको हम छेड़ेंगे नहीं क्योंकि ये अंडे पे बैठी हुई है उसके ऊपर। नहीं नहीं रहने दे, कुछ नहीं होता, वो उसने अंडा दिया हुआ है, और उसको ने दिया। हाँ। ने दिया। और ये देखें ये सील क्या हो गया, अंडा कहाँ से, और पागल है तू क्यों, और ये आप मेरे ये देखें ये सील है, ये भी हम लोगों ने तकरीबन इतने इतने लिए थे, और ये अब आके ये इनका साइज़ हो गया। इनमें से कुछ है सील जो अंडे पे हैं, और तकरीबन और इनके जो है ना एस्ट्रोलोप के, और इसके इन्होंने भी बहुत ज़्यादा हमें अंडे दिए थे। ये करेड़ा आप देख सकते हैं, ये मेरे ख्याल से पांच करेड़ थे जो बढ़ चुके थे, लेकिन मेरे पापा ने फिर इसको ना मशीन में लगने के लिए दे दें, ताकि इसमें से ना जो है वो निकले, चूज़े निकले। तो
एक गंद को आप इग्नोर करें, मैं तो बस इतना ही कहूँगा। और तो ये देखें, इनको हम जो है ना वो संडे को भी बाहर निकालते हैं। और ये आप ये देखें, ये कितने है ना तेज़ हैं, ये देखें, ये देखें, ये आप हमारे एक, ये देखें कैसे कैसे कैमरे में देख रहे हैं, ये कैमरे वो नजर आ गया मुझे। अंडा निकालो, अंडे सारे आई होप गाइस आप लोगों को मेरी आज की जो ये छोटी सी वीडियो है ना ये पसंद आई होगी। मैं कोशिश करूंगा कि आप लोगों के लिए एक अच्छा कंटेंट लेके आऊं। और आगे अगले महीने हमारा शादी भी है, दो शादियां हैं, मैं उसका भी व्लॉग आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। तो आप लोगों ने जैसे देखा कि हमारी मुर्गियाँ कितनी तेज़ हैं, ऊपर से ये खरगोश भी हैं, इनके बच्चे भी मैं आपको दिखाऊंगा। मैं इनके बच्चों की जो है ना वीडियो वो अलग से जो है वो मैं शेयर करूंगा। तो आप लोगों ने मेरी वीडियो को वो पूरा देखना है। और अगर आप लोगों ने मेरी पिछली जितनी भी वीडियोज़ हैं ना वो नहीं देखी तो फटाफट जाकर उसको देखें। और मेरे ख्याल से मैंने दो चैलेंज किए थे और एक मेरी ना न्यू चैनल के बारे में मैंने वो वीडियो अपलोड की थी। लेकिन मैं आपसे वादा करता हूँ कि मैं इंशाल्लाह मैं अपना व्लॉग जो है वो अपलोड करूँगा। आगे रमज़ान आ रहे हैं, रमज़ान के बारे में वो मैं व्लॉग जो है वो मैं अपलोड करूँगा, सारी रूटीन रमज़ान की। और उसके बाद क्या कहते हैं अफ्तारी, अफ्तार रूटीन और ये संडे रूटीन, माई डेली रूटीन, मैं इस तरह के बहुत सारे जो है ना वीडियोज़ मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगा। तो आई होप अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी है तो मेरी वीडियो को आप लोगों ने ज़्यादा लाइक करना है, इसे शेयर करना है, इसे ज़्यादा सब्सक्राइब करना है। सब्सक्राइब करने से आपको ये होगा कि मेरी जो सबसे पहली वीडियो जो भी मैं यानी कि यूट्यूब पर मैं जो मैं अपलोड करूँगा वो सबसे पहले आपको लोगों को मिल जाएगी, उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुँच जाएगा। तो मिलते हैं आपको लाइक अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़। ओए इसका दरवाज़ा वो देखो बंद, सारी मुर्गियाँ बाहर आ गई और तुम लोगों ने मुझे अंदर भी बंद कर दिया। ये देखो, ये देखो इन्होंने मुझे कमीनों ने अंदर बंद कर दिया। खोलो तो सही। हेलो गाइस, सो बाय बाय।